শিলিগুড়ি মহকুমা বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে নেমে হেমদাবাদ যাওয়ার আগে বিজেপি নেতা কৈলাস বিজয়বর্গীয় কবিরের মৃত্যুর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী করেছেন রাজ্য সরকারকে। তার অভিযোগ, সময়মতো রাজ্যে লকডাউন ঘোষণা না করার জন্যই রাজ্যের সংক্রমণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মৃত্যু হচ্ছে। কৈলাস বিজয়বর্গীয়র এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে শিলিগুড়ির চার্চ রোডে দাঁড়িয়ে পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেব পাল্টা প্রশ্ন তুলেছেন, যেখানে দেশের অন্যান্য জায়গায় করোনার সংক্রমণের হার কমেছে, সেখানে দেশে কেন 12 দিন ধরে আক্রান্তের সংখ্যা নাম্বার 1? তিনি কটাক্ষ করে জানিয়েছেন, মোদিজি বলেছিলেন কাশুর ঘণ্টায় দিয়া জ্বালানো এবং হাততালি দিলে 3 মাসে কোভিড তাড়াবে, তাহলে কেন ইনফেকশন বেশি হচ্ছেন? তিনি জিজ্ঞাসা করুন মোদিজিকে। कि जानिए छन कैलाश विजयवर्गीय सुनाबो। मरेंगे पे बिल्कुल विश्वास नहीं है, दीदी का विश्वास होगा। डेमोक्रेसी में हिंसा को कोई स्थान नहीं होना चाहिए, और ये दुर्भाग्य है कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा हो रही है, और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि करेंगे या मरेंगे। मैं समझता हूँ कि यह संदेश ही इस बात का द्योतक है कि ममता जी का और TMC का विश्वास है हिंसा पे। अगला चुनाव इसी बात पर होगा कि बंगाल में हिंसा चाहिए या नहीं चाहिए। हम वादा करते हैं प्रदेश बंगाल प्रदेश से कि हम प्रजातंत्र के अंदर हिंसा समाप्त करेंगे, हम एक साफ सुथरी राजनीति करेंगे, और निश्चित रूप से हमारी सरकार आएगी। तो ऐसे लोग, ऐसे अधिकारी जो नेक्सस बनाकर राजनीति, गुंडे और पुलिस, ये जो हिंसा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम जरूर कार्रवाई करें। दीदी, दादा ममता जी ने और काफ़ी सारे चीफ मिनिस्टर्स ने DSG और नेट का एग्ज़ाम के लिए सुप्रीम कोर्ट में फिर दाखिले करने वाले हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सारा देश जानता है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है, और ये छात्रों के हित का निर्णय है। पर ममता जी छात्र हित नहीं समझ रही हैं। दुर्भाग्य है, वह बंगाल जो शिक्षा के क्षेत्र में देश में अग्रणी होता था, वह बंगाल शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ गया। उसका कारण है कि वर्तमान मुख्यमंत्री और वर्तमान सरकार का शिक्षा की प्रगति के लिए, शिक्षा की क्वालिटी, एजुकेशन, इस दिशा में कोई विश्वास ही नहीं है। वो सिर्फ राजनीति करना चाहती हैं, जबकि 90% छात्रों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन दे दिया, वो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। कई राज्यों के अंदर जैसे उड़ीसा, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहाँ के मुख्यमंत्री विद्यार्थियों के रहने की व्यवस्था, उनके ट्रेवलिंग की व्यवस्था, वो सब कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मुख्यमंत्री हैं जो भाजपा के नहीं हैं, पर इस परीक्षा के लिए वहाँ के विद्यार्थियों को सुविधा देने का काम कर रहे हैं। पर दुर्भाग्य है, बंगाल के अंदर परीक्षा के पहले लॉकडाउन कर रहे हैं। बंगाल के भविष्य की, बंगाल के विद्यार्थियों के भविष्य की मुख्यमंत्री जी को कोई चिंता नहीं है, बहुत दुर्भाग्य की बात। विरोधियों का कहा, इसके लिए ममता जी ने ये भी कहा है कि बीजेपी कोरोना पेंडेमिक तो ठीक है, मगर पॉलिटिकल पेंडेमिक कर सिचुएशन पैदा कर रहे हैं देश में। वो तो प्रदेश बंगाल की बात करें सिर्फ, अभी देश के बारे में बात नहीं करें ममता जी, क्योंकि देश के लिए वो लोकसभा का चुनाव लड़ने गई थी, तो उनके प्रदेश की जनता ने उनको स्वीकार नहीं किया। लोकसभा की हमारी 18 सीटें आई हैं, अपने प्रदेश को बचाएं, प्रदेश को पहले संभालें। मेरा तो आरोप है ममता जी के ऊपर कि जितनी भी कोविड के अंदर मौत हुई है, उसके लिए जिम्मेदार वो है, क्योंकि जिस समय लॉकडाउन चाहिए था उस समय उन्होंने लॉकडाउन नहीं किया, उस समय राजनीति की, इसके कारण कोविड अनियंत्रित हो गया पश्चिम बंगाल में। जितनी भी मौत हुई है, उसके लिए जिम्मेदार ममता जी। কৈলাস বিজয়বর্গীয়র এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে কিছু পাল্টা প্রশ্ন তুলেছেন পর্যটন মন্ত্রী গৌতম দেব। কি অভিযোগ করেছেন তিনি, কি প্রশ্ন তুলেছেন তিনি, শোনাব। হেমদাবাদে গেল, তো এয়ারপোর্টে একটা প্রেস মিট করেছিল, বলেছে যে যখন লকডাউন দরকার ছিল না তখন লকডাউন করেছে। আর হ্যাঁ, এই যে কোভিডে যে মারা গিয়েছে, সম্পূর্ণ দায়ী এই দিদির। কৈলাস বিজয়বর্গীয়র কথা আমি উত্তর দিতে চাই না, শুধু ওনাকে আমি একটা কথা বিনয়ের সাথে বলতে চাই। উনি যেই শহরের অধিবাসী সেটা হচ্ছে ইন্দোর, এক সময় তিনি ওখানকার মেয়র ছিলেন, কিন্তু মেয়র থেকে তিনি খুব সম্ভবত অপসারিত হয়েছিলেন ফর সাম রিজনস। আজকে ইন্দোরে ইনফেক্টেড মানুষ কত সেটা সবচেয়ে সর্বাধিক এই মধ্যপ্রদেশের মধ্যে।
आज के कोमो तालिका देखूं जे यूपी ते कत दिल्ली नैशनल कैपिटल छिलो सेखाने कत गुजरात जेटा 15-3 बार मोदी जी ओखाने छिलेन तादेर सरकार एखन 4 टाइमेर जोन्नो आछे सेखाने टोटाल इनफेक्शन टोटाल डेथ केस कत और एटा एमन एकटा डिजिज नय जे डिजिज बेंगल सरकार नियेछे एटा वर्ल्ड पैंडेमिक एटा सारे सारा विश्वे डिजिजटा छड़िएछे अमेरिका वास्ट एफेक्टेड स्पेन एफेक्टेड यूके एफेक्टेड ब्राजिल एफेक्टेड इंडिया केन नम्बर टूते कल के केन 77,000 इनफेक्शन होयेछे एखन लास्ट 12 दिन धरे भारतवर्षे इनफेक्शन रेट इज नम्बर 1 इन दि वर्ल्ड अमेरिका थेके बेशी इनफेक्शन केन होच्छे नरेंद्र मोदी जी तो कासर घंटा दिया जालानो ताली देवा करे 3 मासेर मध्ये बोलेछिलेन जे कोविड के आमरा जय करब तो कैलाश विजयवर्गीय जी उनी मोदी जी के जिज्ञेस करुन जे भारतवर्ष पृथ्वी सबचेये बेशी इनफेक्शन गत 10 दिन धरे केन होच्छे। अच्छा आरेकटा विषय जेई परीक्षा निये सुप्रीम कोर्ट तो राय दिएछे 30 तारीखेर मध्ये करते हबे सेई क्षेत्रे सुप्रीम कोर्टेर निर्देश अनुयायी आमरा छात्र छात्रीदेर पाशे आछि अथच अन्य सब अन्यान्य राज्येर मुख्यमंत्री देखा जाच्छे जेखाने जारा परीक्षा दिच्छे तादेर थाकार व्यवस्था तादेर ट्रैवेलिंग एर व्यवस्था करछे आर एखानकार मुख्यमंत्री तार आगे लकडाउन करछे एटा जाने ना सबचेये बेशी सेफ्टी सिक्यूरिटी बेंगल गवर्नमेंट कन्सार्न आज के अनेकगुलो चीफ मिनिस्टर बसे एकसाथे सुप्रीम कोर्टे एक रिव्यू पिटिशन करेछे ये नीट जेई ये परीक्षागुलो निश्चय होबे ये सब वाइटाल परीक्षा हायर एडुकेशनेर एक एंट्रांस परीक्षा निश्चय होबे किन्तु एत लाख स्टूडेंट परीक्षा देबे तादेर जीवनेर निरापत्ताटा बड़ो ब्यापार 2-3 मास पिछिए गेले एखन जेखाने सारा भारतवर्षे इनफेक्शनेर हार पृथिवीते नम्बर 1 সেখানে এদের জীবনে ঝুঁকি নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে না পাঠিয়ে সময় নিয়ে একটু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসলে তখন পরীক্ষা করার জন্য পরীক্ষা ব্যবস্থা করার জন্য এটা সুপ্রিম কোর্টে অ্যাপিল করেছে 6টা স্টেটের পক্ষ থেকে সেটা রিভিউ পিটিশন হয়েছে সেই রিভিউ পিটিশনের ফলাফলের জন্য